हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल बाजार जैसा अठेले वाला गोलगप्पे या पानी पूरी के दोनों तरह के पानी की रेसिपी। तो पहला पानी मैं बनाऊंगी चटपटा तीखा हरा पानी, और दूसरा पानी होगा खट्टा मीठा रेड पानी, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो गोलगप्पों का जो सारा टेस्ट है वो इन दोनों तरह के पानी पर ही डिपेंड करता है, और घर में बना गोलगप्पों का ये पानी बाजार के मुकाबले काफ़ी हाइजीनिक होने के साथ ही हेल्दी भी होता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं बच्चों से लेके बड़ों के सभी के मुंह में पानी भर देने वाले पानी पूरी के इन दोनों तरह के पानी की रेसिपी। तो इसे मैं आपको यहाँ पर स्टेप वाइज बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 50 ग्राम बिना बीज वाली इमली। तो अगर आपकी इमली में बीज है तो पहले बीज को हटा लें। तो यहाँ पर इस इमली को मैं डाल दूंगी एक बड़े बोल में। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर डाल रही हूँ एक कप के लगभग गर्म पानी। तो अब मैं यहाँ पर इसको एक बार इस तरीके से स्पून से मिक्स कर लूँगी, और इसे ढक दूँगी और रेस्ट करने दूँगी आधे घंटे के लिए। और जब तक इमली रेस्ट करती है तब तक हम यहाँ पर तीखा हरा पानी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 5 तीखी हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 कप फ्रेश हरा धनिया और 1 कप फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ। तो दोनों की क्वांटिटी यहाँ पर मैंने सेम रखी है, और दोनों को अच्छे से वॉश भी कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के नींबू लिए हैं। तो नींबू की जगह आप इसमें खट्टेपन के लिए इमली के पल्प का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है, तो इसमें मैं डाल दूंगी सभी पुदीने की पत्तियाँ और हरा धनिया। तो अब मैं यहाँ पर इस तरीके से अदरक को थोड़ा रफली चॉप्ड करके डाल रही हूँ, ताकि ग्राइंड करने में आसानी रहे। हरी मिर्च को भी मैं यहाँ पर इस तरीके से कट करके डाल दूंगी। तो सभी हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच पानी, ताकि इसे ग्राइंड करने में आसानी रहे। तो अब मैं यहाँ पर ढक्कन लगा लूँगी और इसको फाइन ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से फाइन ग्राइंड कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इस पेस्ट को डाल दूंगी एक मिक्सिंग बोल में। तो सारा पेस्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पानी। तो जिस मिक्सर जार में मैंने ग्राइंड किया था उसी से 1 कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच काला नमक और आधा छोटा चम्मच सफेद नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालें। अब मैं इसमें डाल दूंगी हींग। तो यहाँ पर मैंने 2 चुटकी हींग को पानी में भिगो कर रखा था, तो हींग से भी काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 जलजीरा का पाउच। तो आप इसकी जगह यहाँ पर पानी पूरी मसाला भी ऐड कर सकते हो, और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ घर में अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पर चाट मसाला की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दें। तो अच्छे से मैं यहाँ पर इन सभी को मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच चीनी, ताकि जो तीखापन है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। तो चीनी को भी मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक बोल के ऊपर स्टेनर रखा है, तो अब मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से स्टेनर में डाल दूंगी और अच्छे से छान लूंगी। तो ये स्टेप करना यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर स्पून से इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से मिक्स करते हुए छान लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इस स्टेनर के ऊपर ही डाल दूंगी 1 से 1.5 कप फ्रिज का ठंडा पानी, ताकि जो स्टेनर में हमारा ये पल्प बच गया है इसका एक्सट्रैक्ट अच्छे से नीचे छन जाए। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नींबू का रस। तो जो मैंने 3 नींबू लिए थे उसका रस मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। साथ ही इसमें ऐड करूंगी कुछ आइस क्यूब। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप बूंदी। तो अच्छे से मैं यहाँ पर इनको मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी ठंडा ठंडा चटपटा तीखा और हरा पानी।
तो इस हरे तीखे पानी को अब मैं साइड में रख लूंगी और बनाते हैं फटाफट मीठा वाला लाल रंग का पानी। तो यहाँ पर इमली को रेस्ट करते हुए आधे घंटे का समय हो गया है और मैंने ढक्कन निकाल लिया है। तो इमली बहुत अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर इस इमली को डाल दूंगी एक मिक्सर जार में। तो अब मैं यहाँ पर फिर ढक्कन लगा लूंगी और ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से फाइन ग्राइंड कर लिया है, लेकिन अभी इसमें इमली के काफी रेशे हैं, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर इसे छान लूंगी। तो इसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेनर में डाल दिया है। अच्छे से यहाँ पर इसे स्पून से इस तरीके से मिक्स करते हुए छान लूंगी। तो अब मैं यहाँ पर स्ट्रेनर के ऊपर डाल रही हूँ एक कप से थोड़ा कम पानी और इसको भी स्पून से अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि इमली का सारा एक्सट्रैक्ट निकल जाए। तो यहाँ पर हमारा ये इमली का पल्प बनकर तैयार है। तो इस पल्प के अलावा हमें यहाँ पर चाहिए 100 ग्राम गुड़। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम इमली ली है, तो उसका डबल हमें यहाँ पर गुड़ लेना है। मसालों में मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच सफेद नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंठ पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर और एक चुटकी हींग ली है। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, तो इसमें मैं डाल दूंगी इमली का सारा पल्प। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ एक बड़ा चम्मच पानी। मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। तो बॉयल आ चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी कुटा हुआ सारा गुड़। गुड़ को भी मिक्स कर लेंगे और मेल्ट होने देंगे। तो अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। सबसे पहले डाल दूंगी काला नमक, सफेद नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, भुना जीरा पाउडर, सौंठ पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हींग। इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। बीच बीच में मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे स्पैचुला से भी मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट का समय हो गया है और हमारी यहाँ पर ये मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है और ये इस तरीके से थोड़ा पतली ही होती है। तो अब मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर लूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। तो यहाँ पर ये चटनी अब ठंडी हो गई है और इसे मैंने एक बोल में निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी मीठी चटनी। तो अभी मैं यहाँ पर आधी चटनी का ही यूज़ कर रही हूँ और आधी चटनी को मैं फ्रिज में रख दूंगी और बाद में यूज़ करूँगी। तो इसमें मैं अब डाल रही हूँ फ्रिज का ठंडा पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी डाल दिया है, साथ ही इसमें ऐड करूँगी कुछ आइस क्यूब। लास्ट में इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप बूंदी। तो मिक्स कर लेंगे इन सभी चीजों को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये खट्टा और मीठा पानी बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको ये खट्टे और मीठे पानी वाला एक गोलगप्पा तैयार करके बताती हूँ। तो गोलगप्पे के सेंटर के पोर्शन को इस तरीके से मैंने अंगूठे से क्रश कर लिया है। इसके अंदर मैं भरूंगी आलू और बटाना की फिलिंग, इसे मैंने पहले ही तैयार करके रखा था। तो इस पानी को एक बार इस तरीके से जरूर मिक्स कर लें। तो इसके अंदर भर दूंगी मैं ये पानी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 बड़े चम्मच पानी भर लिया है। तो मेरे बच्चों को ये वाला जो पानी है बहुत ही पसंद है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको ये चटपटा और तीखा पानी वाला एक गोलगप्पा तैयार करके बताती हूँ। तो इसके अंदर भी मैं भर दूंगी आलू और बटाना की फिलिंग। तो इसको भी मैं यहाँ पर इस तरीके से 1 से 1.5 चम्मच भर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुत चटपटा और तीखा पानी वाला गोलगप्पा भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर इस पानी को सर्व कर रही हूँ इस गिलास में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने बच्चों को इसे बनाकर देती हूँ और वो इसे खुद ही ले लेते हैं। तो दोनों गिलास में मैं दोनों तरह के पानी भर लूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा गोलगप्पों या पानी पूरी के लिए चटपटा तीखा हरा पानी और खट्टा मीठा लाल पानी बनकर तैयार है। और इन्हें देखकर आ गया है ना आपके भी मुंह में पानी। तो घर में बने ये दोनों पानी बाजार से ज्यादा हाइजीनिक और हेल्दी तो होते ही हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान भी है। तो मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।